हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिर से हम आ गए हैं टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ चुका है। तो आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, इस तरह के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन से काइनवास्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पर आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे सिंपल वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। दो वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ मैंने। फर्स्ट पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से शूट किया हूँ और सेकेंड पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से शूट किया हूँ। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले रिमूव कर देना है। तो आप देख सकते हैं वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का जो पार्ट एक्स्ट्रा है ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। इसके बाद लास्ट पॉइंट पर आना है और आपको यहाँ पर देखना है वीडियो हमारा कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैची के निशान पे क्लिक करेंगे और ट्रिम टू राइट कर देंगे। इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, आपको रिमूव कर देना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, स्पीड कंट्रोल पे आना है और इस वीडियो को आपको स्लो मो में कर देना है। तो मैं यहाँ पर 0.5 से पहले एक डॉट दिख रहा है, इस डॉट के सामने जस्ट सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद डन करते हैं। इसके बाद शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो को एक्सपोर्ट कर दिया और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आप देख सकते हैं फाइनली हमारा वीडियो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो चुका है। एक्सपोर्ट होने के बाद इसे हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पर आना है और यहाँ पर आपको बैकग्राउंड पर क्लिक करना है और यहाँ पर कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पर ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेता हूं और इस बैकग्राउंड को आपको वीडियो के अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। तो मैं यहां पे 16 सेकेंड के आसपास कर दिया हूं। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूं, सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसे आपको फुल स्क्रीन में कन्वर्ट कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट पर आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। तो वैसे कि आप वीडियो देख सकें, हमारा वीडियो कुछ इस तरह से है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और क्रोमा की को आपको इनेबल कर देना है और आपको सही से एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरह से। अब आपका वीडियो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद डन करना है। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है और यहाँ पे आपको देख सकते हैं ब्लैक कलर स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 1.3 पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो एक्सपोर्ट किए थे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। हमारा जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो है जो कुछ यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो मैं फर्स्ट पार्ट का वीडियो सबसे पहले लेकर आता हूँ। तो आप देख सकते हैं वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। इस वीडियो पर प्रेस करके रखना है, कुछ इस तरह से आपको लास्ट पॉइंट पर लेकर आ जाना है। इसके बाद वीडियो पर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है जहाँ पर आपका ब्लैक कलर दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे 1.3 के आसपास लेकर आता हूँ। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और इस तरह से आगे की तरफ लेकर आना है और जहाँ तक यहाँ पे आपको ब्लैक कलर दिख रहा है वहाँ तक आपको एडजस्ट कर देना है और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और इसे आपको फुल स्क्रीन में कन्वर्ट कर देना है। फिर से वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक कर देना है। अब आपका वीडियो जब प्ले करेंगे तो कुछ इस हिसाब से आपको देखने को मिल जाएंगे जो काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट पर आना है और यहाँ पर देख सकते हैं आपका ब्लैक कलर फिर से स्टार्ट हो रहा है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद जो हमने सेकेंड पार्ट का वीडियो शूट कर रखे कुछ इस तरह से, तो आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। तो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर दिया हूँ। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और इसे आपको फुल स्क्रीन में कन्वर्ट कर देना है। फिर से वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक कर देना है। इसके बाद जो बैकग्राउंड का में एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को भी ट्रिम टू राइट कर देना है। हमारा वीडियो फाइनली यहाँ पर तैयार हो चुका है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और अपने वीडियो में जो ओरिजिनल साउंड है, ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद सेटिंग पर क्लिक करेंगे, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा, लास्ट का साउंड जो हमारा स्लो हो जाता है वो स्लो नहीं होगा। यदि आप अपने वीडियो का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो सिंपल वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कलर फिल्टर पर आना है और यहाँ से आपको बिल्कुल आसानी से कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो मैंने कलर चेंज कर दिया हूँ, इस तरह से आप कलर चेंज कर लेना। इसके बाद शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक साउंड लिंक भी दे दूँगा, उसी वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है।
यदि इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं, क्योंकि तो ये वीडियो फिलहाल में टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।